रेगुलर फ्राइड राइस से अगर आप बोर हो चुके हैं, कुछ डिफरेंट, कुछ स्पाइसी, कुछ टेस्टी खाना चाहते हैं एकदम स्ट्रीट स्टाइल, तो ये चिली गार्लिक फ्राइड राइस आपके लिए है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिट रेसिपीज़। और आज मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही आसानी से किस तरह से आप इस चिली गार्लिक फ्राइड राइस को घर पर तैयार कर सकते हैं। ना शेजवान सॉस की ज़रूरत है और ना ही कोई फैंसी इन्ग्रीडियंट्स की, बस बेसिक इन्ग्रीडियंट्स से आज हम इसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले चार कश्मीरी लाल मिर्च के बीज मैंने निकाल लिए हैं, इसे गर्म पानी में 15 मिनट तक सोक कर लेंगे। बीज मैंने इसलिए निकाले क्योंकि ये मिर्च बहुत तीखी है, अगर आपकी तीखी नहीं है तो आप बीज रख सकते हैं। एक कप जितने बासमती राइस को मैंने अच्छे से 3 से 4 बार वॉश कर दिया है और फिर इसे 30 मिनट तक हम सोक करेंगे पानी में। 30 मिनट के बाद हम इसका पानी निकाल लेंगे और एक बड़े से बर्तन में मैंने 5 से 6 कप पानी उबाल आने तक वेट किया है। तो अब मैंने इसमें नमक मिला दिया है और साथ ही में हम इसमें कुछ बूंद तेल की भी मिला देंगे। जब इस पानी में उबाल आना शुरू हो जाएगा तब हम इसमें हमारे भीगे हुए चावल मिला देंगे और इसे हम मीडियम या फिर मीडियम हाई फ्लेम पे तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये ऑलमोस्ट कुक हो जाए। चावल के दाने सॉफ्ट होने चाहिए बट वो अलग अलग भी होने चाहिए, तो इस स्टेज पे हम इसे फ्लेम से निकाल देंगे और एक बड़ी सी छलनी में इसे छान देंगे और पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब 15 मिनट बीत चुके हैं, हमारी मिर्ची भीग चुकी है। अब इसको हम एक ग्राइंडर जार में 2 टेबलस्पून पानी के साथ ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसका हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो एक स्मूथ सा पेस्ट बना के हम इसे साइड में रख देंगे। अब एक बड़ी सी कढ़ाई में 1.5 टेबलस्पून तेल हम गर्म कर रहे हैं। जैसे हमारा तेल गर्म होगा हम इसमें 1 टेबलस्पून जितनी लहसुन की कलियां चॉप करके मिला देंगे और लहसुन में अच्छी खुशबू आने तक इसे अच्छे से सौटे कर लेंगे। अब इस स्टेज पे हम इसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून जितनी अदरक जिसे हमने ग्रेट करके ले लिया है, साथ ही में एक हरी मिर्च को भी इस तरह से स्लिट करके मिला देंगे और इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इनमें से अच्छी खुशबू ना आ जाए। इस स्टेज पे हम इसमें मिलाएंगे 1/3 कप जितना स्प्रिंग ऑनियन का नीचे वाला हिस्सा मतलब सफ़ेद हिस्सा चॉप करके इसे हम हाई फ्लेम पे 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इस स्टेज पे हम इसमें मिलाएंगे हमारा बनाया हुआ चिली का पेस्ट। तो इस पेस्ट को हमने पूरा मिलाया है, आप अपने हिसाब से पेस्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम हाई फ्लेम पे तब तक कुक करेंगे जब तक कि इसका तेल सेपरेट ना हो जाए। जब तेल सेपरेट होगा, जब मिश्रण इस तरह से लगने लगेगा, इसमें हम मिलाएंगे 1/3 कप जितनी गाजर फाइनली चॉप करके, 1/3 कप जितनी फ्रेंच बीन्स फाइनली चॉप करके मिलाएंगे और साथ ही में 1/3 कप जितनी कैप्सिकम को भी फाइनली चॉप करके मिला देंगे। वेजिटेबल्स को हम अच्छे से हमारे चिली पेस्ट के साथ मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे 1 मिनट तक पकाएंगे। इस स्टेज पे हम इसमें मिलाएंगे 1/4 टीस्पून चीनी, नमक स्वाद अनुसार मिला रहे हैं और साथ ही में हम इसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून जितना विनेगर। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, हाई फ्लेम पे इसे 2 मिनट तक पकाना है। चीनी डालने से जो वेजिटेबल्स का कलर है वो रिटेन होगा, तो आप इसे स्किप मत कीजिएगा। 1 टीस्पून जितना सोया सॉस मिला रहे हैं, 1/2 टीस्पून जितने काली मिर्च पाउडर मिलाएंगे, इसकी मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे 1 और मिनट तक पका देंगे। अब हम मिलाएंगे हमारे कुक और ड्रेन किए हुए चावल और चावल को हमें हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम चावल को वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करते जा रहे हैं वैसे वैसे थोड़ा हल्का लाल कलर आ रहा है। हल्के हाथों से मिक्स कीजिएगा ताकि जो हमारे चावल हैं वो टूटे ना। आप चाहे तो बासमती चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चिरका सांबा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें मिलाएंगे 2 टेबलस्पून जितने स्प्रिंग ऑनियन का जो ग्रीन पार्ट है वो चॉप करके और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 और मिनट तक हम इसे पकाएंगे। फ्राइड राइस को आप यूजली हाई फ्लेम पर ही पकाइएगा तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, वेजिटेबल्स सॉफ्ट होंगे बट थोड़ा सा बाइट भी रहेगा। 1 मिनट तक पकाने के बाद हम इसे सर्विंग प्लेट पे इस तरह से निकाल देंगे। गर्मा गर्म हमारे चिली गार्लिक फ्राइड राइस बनके तैयार है। आप इसे केचप के साथ या फिर कोई पापड़ के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं जो बहुत से लोग करते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, है ना बहुत आसान, बहुत कम इन्ग्रीडियंट से और बहुत झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, गर्मा गर्म इसे एंजॉय कीजिएगा और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।